Hello, boys. Wow. Bye-bye, Agent John Hartley. वेलकम मेंबर्स, इस वीडियो के अंदर मैं रेड नोटिस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आपने इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं देखा है या फिर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आई बटन पे भी आपको दिख जाएंगे, आप जाके दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और जिन्होंने भी रेड नोटिस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुन लिया है या फिर मूवी देख ली है तो वो मेरे साथ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर हैं और स्पॉइलर अलर्ट के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने रेड नोटिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखा है या फिर मूवी देखी है तो आपको मूवी का एंड तो याद ही होगा, जहाँ पर नोलन बिशप और जॉन को एक चोरी का ऑफर देता है जिसके लिए उसे 3 लोगों की टीम चाहिए, जिनमें से एक वो खुद था और बाकी 2 थे बिशप और जॉन। और वो दोनों हाँ क्यों करते हैं, क्योंकि नोलन ने उनको पूरी तरीके से कंगाल कर दिया था और अब उनके पास इस चोरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि ये तीनों लोग लॉवरे म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इनकी अगली चोरी लॉवरे म्यूजियम के अंदर होने वाली है। तो अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट आया तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो पार्ट लॉवरे म्यूजियम के अंदर रखे किसी एंटिक चीज की चोरी के ऊपर बेस्ड होगा। तो आखिरकार ये लॉवरे म्यूजियम के अंदर जाकर क्या चीज चोरी करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिनको भी लॉवरे म्यूजियम के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो वो ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि वो लोग लॉवरे म्यूजियम के अंदर क्या चोरी करने जा रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि लॉवरे म्यूजियम फेमस है अपनी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग की वजह से, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग की वजह से। ये पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची की बनाई हुई सबसे बेस्ट क्रिएशन मोनालिसा। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर इस मूवी का अगला पार्ट आया तो डेफिनेटली हो सकता है कि मोनालिसा की चोरी के ऊपर ही हो, क्योंकि इससे ज्यादा कीमती तो उस म्यूजियम के अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने ज्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं करी है। अगर आपको लगता है या आपको कुछ पता है लॉवरे म्यूजियम के बारे में जो मोनालिसा से भी ज्यादा कीमती हो सकता है या उसके जितना कीमती हो सकता है, जिसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हो सकता है ये लोग चोरी करने की कोशिश करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो चीज क्या हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है क्योंकि ये सिर्फ एक अंदाजा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। और आपको क्या लगता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा भी या नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स का रिकॉर्ड रहा है कि उसने कई अच्छी फ्रेंचाइजीज का सेकंड पार्ट निकाला नहीं है। तो जो भी आपको लगता है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और अगर आपने इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हुआ है तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन के इनके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, अपने घर की कीमती सामानों को संभाल के रखिए, क्या पता बिशप वहां पर आ जाए या नोलन आ जाए या फिर हो सकता है जॉन आ जाए।